दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आप में से हर कोई इस लिजर्ड के बारे में तो जानते ही है, जो भेड़ बकरिया ही नहीं ये तो घोड़े तक को निगलना अच्छे से जानती है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन कोमोडो आइलैंड पर वाकई में एक ऐसी फिशिस पाई जाती है जो साइज में लगभग 2.5 मीटर तक बड़ी हो सकती है। ये अपने शिकार पर बिजली की रफ्तार से हमला करना जानती है। इसकी स्पेशलिटी भी है जो अपने शिकार की गंध का दूर से ही पता लगा लेती है और मौका मिलने पर बड़े से बड़े शिकार को आसानी से निगल सकती है। ऐसे में हम आपको इस खूंखार दरिंदे के कुछ ऐसे हमले दिखाने वाले हैं जहां ये अपने हंटिंग स्ट्रेटजी के दम पर शिकार की धज्जा उड़ाकर रख देते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि इनके हमले हर किसी को चौंका देने वाले होते हैं। नंबर 9 कोमोडो ड्रैगन अटैक पिगलेट। कोमोडो ड्रैगन की सूंघने की क्षमता बड़ी कमाल की होती है और ये लिजर्ड कई किलोमीटर की दूरी से अपने शिकार की गंध को महसूस कर सकती है। इसलिए कोमोडो ड्रैगन को पिग्स और उनके बच्चों की भूख लग जाती है, तो ये खूंखार छिपकली अपने शिकार की तरफ भागी चली आती है। ऐसे में कोमोडो को आता देख बड़े पिग्स यहाँ वहाँ छिप जाते हैं, लेकिन इन जानवरों के बच्चे मुसीबत में पड़ जाते हैं। बस इसी का फायदा उठाकर ये छिपकली उसमें से एक बच्चे पर हमला कर देती है। अब जाहिर है कि कोमोडो की एक ही वार में पिग्स का बच्चा घायल हो जाता है, और इससे पहले कि कोई जानवर इस नन्हे बच्चे को बचाने की कोशिश करे, उतने में ये विशालकाय छिपकली इस पिगलेट का काम तमाम कर देती है। नंबर 8 कोमोडो ड्रैगन अटैक बैड। कोमोडो ड्रैगन अपना पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जमीन पर पाए जाने वाले जानवरों के अलावा ये लिजर्ड पेड़ पौधों पर बैठे पक्षियों को भी शिकार बना सकती है। अब इसका जीता जागता सबूत ये रहा जहाँ इस कोमोडो ड्रैगन की नजर पेड़ पर लटक रहे बैट पर पड़ती है। एक्साइटेड होकर अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी ये छिपकली बंदरों की तरह उछलती है, तो कभी पेड़ पर चढ़ने के सभी कोशिशें आजमाती है। ऐसे में जब कोई भी पैतरा काम नहीं आता तो अपनी जंपिंग स्किल का उपयोग करके ये छिपकली अपने शिकार को पकड़ ही लेती है। इसके बाद ही अपनी सारी झुंझुनाहट हाथ लगे बैट पर निकाल देती है। कुछ देर तक उसे पूरी तरह से घसीटने के बाद आखिर में कोमोडो ड्रैगन अपने शिकार को निगल ही जाती है। नंबर 7 कोमोडो ड्रैगन अटैक ऑक्टोपस। दोस्तों कोमोडो ड्रैगन शिकार की तलाश में सिर्फ जंगल ही नहीं बल्कि पानी के किनारे भी पहुंच जाती है। तभी इस क्लिप में एक कोमोडो ड्रैगन को जैसे ही एक ऑक्टोपस नजर आती है, तो कुछ देर अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ये छिपकली ऑक्टोपस को खाने का मन बना लेती है। इसके बाद ये छिपकली बिना ज्यादा देर गवाए पानी के किनारे पड़े इस ऑक्टोपस को अपने मजबूत जबड़ों में दबोच लेती है, और इससे पहले कि कोई दूसरा शिकारी शिकार को पाने के लिए इसे छीनने की कोशिश करे, उससे पहले ये उसे निगल जाती है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ दूसरे जानवर मरने के बाद अपने परिवार के सदस्यों को नहीं खाते, वहीं एक कोमोडो ड्रैगन भूख लगने पर अपने ही पीसीज को खाने में पीछे नहीं हटते। इसके अलावा ये छिपकली एक मरे हुए कोमोडो को भी हजम कर जाती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूख लगने पर ये छिपकली किस हद तक जा सकती है। नंबर 6 कोमोडो ड्रैगन अटैक डीर। दोस्तों कोमोडो ड्रैगन को भूख की तलब का एक ही मतलब होता है और वो है शिकार। ऐसे में बात जब हंटिंग की आती है तो ये खूंखार छिपकली किसी भी हद तक जा सकती है। इसका एक छोटा सा नमूना हमें तब देखने को मिलता है जब बड़े आकार की छिपकलियों की नजर एक हिरन पर पड़ती है। ऐसे में हिरन को देख इनके मुंह में पानी आ जाता है। धीरे धीरे ये छिपकलियां हिरन की तरफ बढ़ने लगती है, इससे पहले कि ये बेचारा हिरन खुद को बचाने की कोशिश करे, इससे पहले ही इस पर हमला हो जाता है। कुछ देर की झड़प के बाद ये हिरन लिजर्ड के चपेट में होता है और फिर धीरे धीरे इस हिरन पर जोरदार हमले किए जाते हैं और उसे खाने की शुरुआत हो जाती है। नंबर 5 कोमोडो ड्रैगन अटैक गोट। अब जरा इस क्लिप को देखिए जहाँ ये बकरी दुनिया से बेखबर होकर अपने ही दुनिया में मगन होती है, लेकिन तभी एक कोमोडो ड्रैगन को इसकी मौजूदगी की भनक लग जाती है और पलक झपकते ही ये वहाँ आ धमकती है। हालांकि मौत को सामने आता देखकर बकरी भी हमला करने लग जाती है और अपनी सिंह की मदद से कोमोडो पर अटैक कर देती है, लेकिन बकरी की इस गुस्से को देखकर कोमोडो भी वापस चली जाती है और थोड़ी ही देर में अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर वापस आ धमकती है। और इसके बाद कोमोडो ड्रैगन पूरे दमखम के साथ बकरी पर हमला बोल देते हैं। सबसे पहले ये बकरी पर अपनी दमदार कूद से वार करते हैं। इसके एक वार से ही बकरी अधमरीसी हो जाती है। इसके बाद मौके का फायदा उठाकर कोमोडो ड्रैगन बिजली की तेजी के साथ बकरी को अपने जबड़ों में दबोच लेते हैं और फिर सारे कोमोडो ड्रैगन मिलकर बकरी को अपना निवाला बना डालते हैं। नंबर 4 कोमोडो ड्रैगन अटैक मंकी। दोस्तों कोमोडो ड्रैगन का एक सिंपल सा रूल है, इसे मौका मिलने पर ये किसी का भी शिकार कर सकती है, फिर चाहे वो बंदर ही क्यों ना हो। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो क्लिप में ही देख लीजिए जहां एक विशालकाय छिपकली एक बंदर को अपना लजीज खाना समझ बैठती है। फिर तुरंत ही ये छिपकली बंदर पर एक जोरदार हमला करती है। यहां ताव में बंदर भी हार नहीं मानता, वो अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन इसके बावजूद इस बंदर का दमखम फीका पड़ जाता है।
जाता है। ऐसे में धीरे धीरे बंदर गीला पड़ने लगता है और कोमोडो उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। कुछ ही देर के अंदर ये बड़े आकार की छिपकली बंदर को निगल जाती है। इससे एक बात तो साफ है कि कोमोडो की पावर के आगे चालबाज बंदर भी घुटने टेक देते हैं। नंबर 3, कोमोडो ड्रैगन अटैक बेबी बफेलो। कोमोडो ड्रैगन कितने खतरनाक शिकारी होते हैं इसे तो आप अभी तक समझ ही चुके होंगे, लेकिन ये कितने बेरहम शिकारी होते हैं ये आपको इस वीडियो क्लिप में पता चल जाएगा। दरअसल यहाँ इन कोमोडो ड्रैगन के चपेट में एक भैंस का बच्चा आ जाता है, जिसे ये उसे अपना निवाला बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके लिए ऐसा करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहीं पास दो भैंस भी खड़े होते हैं जो उस मासूम सी जान को कोमोडो ड्रैगन की पकड़ से चुराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कोमोडो ड्रैगन की पावर के सामने भैंसों का भी दमखम फीका पड़ जाता है। ऐसे में काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कोमोडो ड्रैगन भैंस के बच्चे पर अपनी पकड़ जमा ही लेते हैं और फिर शुरू होता है इनका हैवानियत का दौर। सभी ड्रैगन मिलकर भैंस के बच्चों को सफाचट कर देते हैं। हालांकि भैंस का बच्चा दर्द से चिल्लाता रहता है, लेकिन कोमोडो ड्रैगन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 2, कोमोडो ड्रैगन अटैक बफेलो। करीब 130 किलोग्राम वजन की भारी भरकम ये कोमोडो ड्रैगन करीब 3 मीटर तक बड़ी हो सकती है। और इस भारी भरकम और विशालकाय शरीर को देखकर आप ये समझने की भूल मत कीजिएगा कि छिपकली की प्रजाति का सिर्फ शरीर ही चलता है और दिमाग नहीं, क्योंकि ये छोटे आकार के जानवरों पर भले ही सीधे तौर पर हमला करती है, लेकिन जब इनके सामने बड़े आकार का जानवर पड़ता है तभी इस वक्त ये छिपकली दिमाग से काम लेती है। अब इस वीडियो क्लिप में मौजूद एक भैंस को ही ले लीजिए, देखा जा सकता है शांत बैठे भैंस के पैर पर सीधे वार कर देती है, यानी कि शिकार के अंदर अपना जहर छोड़ देती है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है भैंस के शरीर के अंदर जहर चढ़ता जाता है। ऐसे में भैंस भी कमजोर पड़ने लगती है और मौका मिलते ही ये लिजर्ड धीरे धीरे उसके पास जाकर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ देर के बाद ही 200 किलो के भैंस का नामो निशान मिट जाता है। कोमोडो की इसी खासियत की वजह से कोमोडो जिस भी इलाके में रहती है वहाँ पर इंसान या जानवर का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नंबर 1, कोमोडो ड्रैगन अटैक वाइल्ड बो। दोस्तों, अब तक तो आपने कोमोडो के हाथों कई जानवरों को शिकार होते देख लिया। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आपको इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। कोमोडो ड्रैगन खतरनाक शिकारी होने के साथ साथ ये कितने बेरहम दरिंदे भी हो सकते हैं और जिनके अंदर रहम का नाम तक नहीं होता। दरअसल इस वीडियो क्लिप में दिख रहा वाइल्ड बोर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, लेकिन कहीं से ये कोमोडो ड्रैगन कहता हुआ वहाँ पर आ पहुँचता है। और जैसे ही उसकी नजर इस घायल पड़े वाइल्ड बोर पर पड़ती है तभी खुशी के मारे मानो ये झूम उठता है, क्योंकि बिना मेहनत किए बड़ी आसानी से कोई भोजन मिल जाए उसी के रूप में ये वाइल्ड बोर उसे मिल जाता है। और फिर क्या था, थोड़ी देर इसके आसपास घूमकर कोमोडो ड्रैगन पूरी तरह से उस पर टूट पड़ता है। हालांकि वाइल्ड बोर दर्द से कराहता जरूर है, लेकिन कोमोडो ड्रैगन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे तो बस अपनी भूख मिटाना है। और फिर वाइल्ड बोर को नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कोमोडो की दिल दहला देने वाली शिकार में से आपको कौन सा शिकार सबसे बेरहम लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।